जिंदगी में हर कोई ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता है, लेकिन करियर वाली मेरी मानो तो पहाड़ों वाली ऊंचाइयां आपको ज्यादा सुकून देगी, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए आपको किसी को नीचे नहीं धकेलना पड़ेगा, बल्कि एक दूसरे के सहारे से ऊंचाइयों पे पहुंचना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हाथ हो अगर हाथों में तो रास्ता कट जाए प्यार की बातों में। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है। मेरी मानो तो जिस सफ़र में मुश्किलें बहुत हो उसकी मंजिल और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। हमारी इस खूबसूरत सी मंजिल का रास्ता भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस सफ़र ने हमें ये सिखा दिया कि आप में जज्बा हो ना हो, जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे हम स्वर्ग पहुंच चुके हैं। स्वर्ग पहले। ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग वो पीछे वाला है, स्वर्ग पुरगढ़। और ये जो हम अभी यहाँ पर हैं, ये है तारापुरगढ़। बेसिकली हम लोग ना कायस्थान घूमने आए थे, और हमारे साथ जो हमारे भैया है उन्होंने हमें कहा कि तारापुरगढ़ चलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था, और इन्होंने बोला बस 2 घंटे लगते हैं, और सीरियसली इस ट्रैक को कम से कम 5 घंटे, 4-5 घंटे लग चुके हैं, और बहुत ही रफ टफ, मतलब टफ था। रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, बस कहीं से भी चल रहे हैं, क्योंकि बर्फ गई नहीं है, यहाँ से पिघली नहीं है, तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम इतनी मुश्किल से, आप पूरे व्लॉग में देखना हमारा, हम कैसे पहुंचे इधर, हमारा स्ट्रगल देखना आप, जो भी हमारा ये यहाँ पहुंचना पॉसिबल हुआ है हमारे जीजा जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने इतना मोटिवेट किया कि वहाँ का 360 व्यू ऐसा है ना। मैं बस रो ही नहीं, बाकी सब हाँ, बीच में तो रोई थी कसम से, ये रो रही थी हल्की सी, रोने को हो गया था इसका। और चलो इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं हम कल से। कल क्या शुरुआत हुई हमारे, कैसे हमने शुरुआत की, क्योंकि हमने वन नाइट स्टे किया यहाँ पे राजस्थान में, तो उसके बाद हम आज यहाँ आए, और आज हम वापस घर भी निकलना है, हो सकता है हम स्टे भी करें, हमें नहीं पता है, अभी देखेंगे। बाकी चलो हम यहाँ की ब्यूटी का मजा लेते हैं, और आप भी हमारे साथ ब्यूटी का मजा लेते। ऑलरेडी शाम के 5:30 हो चुके हैं, और अब हम कायस्थान की ट्रैक करने के लिए यहाँ से शुरुआत की हमने। कुछ नहीं और क्या होना है, इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी, बंद है। क्यों बंद है? बर्फ के बाद हल्का सा। चलो दोस्तों आना तुम पैदल। हमारे इस मुश्किलों भरे सफर की शुरुआत होती है पीच गांव से, जो कि कुल्लू से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हमें जाना था कायस्थान। पीस से कायस्थान जाने का एक बेस्ट ऑप्शन था इलेक्ट्रिक व्हीकल। अनफॉर्चुनेटली रोड के डैमेज होने की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल पा रही थी, तो हमें पीस से कायस्थान वाई वॉक ही जाना पड़ा। तेरी एक्टिंग ओवर एक्टिंग वो भी। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट सा ट्रेल है, मेरे को तो लिटरली फील नहीं हो रहा है कि मैं, मतलब मैं थकान भी फील हो रही है चलने में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मैं वॉक करने निकली हूँ। घर जा रहे वापस। कुछ देर चलने के बाद जीजा जी कैंपिंग का सारा सामान कायस्थान छोड़कर वापस आ गए, और फिर ये डिसाइड हुआ मैं और जीजू जाएंगे पैदल, मंजू और दी जाएंगे स्कूटी पर। अब मंजू जा रही है स्कूटी लेकर, और हमें पैदल चलना पड़ेगा। शुरुआत खराब हो गई यहाँ पर। ये मिल गया बरगाद रास्ते, बैठ जाइए आपको, बैठ जाइए आपको। वारा मैं और पता नहीं यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं, ब्लॉग वायरल हो जाएगा लेकिन। तो गाइस ये ट्रेल आप देख सकते हो, काश हम दिन में आते तो हम आपको इसकी ब्यूटी और ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते। सबसे मज़ा इस ट्रेल में आता, गड़ 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 स्कूटी जाती है। अच्छा, क्या फील आता है। हमें कायस्थान पैदल जाते जाते लगभग 2 आवर्स लग गए, और पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा भी हो गया था। हाँ जी, आप सब कितने पीछे हो? हाँ मैंने कह रहा है, बस बस
सुन तू मत चला इसके आगे स्कूटी यार, मुझे अकेले नहीं काटनी अपनी जिंदगी पूरी। ठीक है आप आओ, मैं आपका इंतजार करती हूँ। ओके बेबी। कितना मजा आया राइड करने का, एक मंजू फीलिंग समझ सकते, एक मैं समझ सकता हूँ राइड करने का, क्या मजा था। नहीं मजा सच में वो स्कूटी चलाने का मोटा ही मजा इस रास्ते में, और पैदल चलने का भी अलग मजा था। पैदल चलने का तो हर कुछ ही इसको कुछ सतीश को पूछो। नहीं 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 झूठ क्यों बोल रहे हो, नहीं थक गया मेरे को मजा आया। तो यहाँ पे हालत टाइट हो गई है, मतलब मोटे एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। तो लकड़ियाँ पहले ही ढोनी पड़ रही है क्योंकि आगे लकड़ी शायद इंतजाम बहुत कम में आ गया ना, और यहाँ दीदी को देखो दुनिया जाए पहाड़ में मैं करूँगी। ये हैरी पॉटर का झाड़ू कहाँ ले जा रहे हो तू, यही काम क्यों नहीं कर लेते सजीश, वो जो ढोने का पैसे बनेंगे 10 दिन के बाद नहीं। मैं क्या सोच रहा था दिन में, मैं सोच रहा था यार कोई बोझ ढोने वाला मिलेगा क्या दिहाड़ी पे, खुद ही बन गया बोझ ढोने वाला। तो मैं आपको फर्स्ट मिस्टेक बताती हूँ जो हमने कैंपिंग में की, वो था कि सबसे बहुत लेट आए हम घर से, और लेट आने के चक्कर में हम रात को जगराता हो रहा है, मतलब बहुत लेट हो गए, 8:30 बज गए, और हम अभी हम कैंप ही सेट कर रहे हैं, अब हमने आग जलानी, फिर हमने खाना बनाना है, फिर हमने खाना है, हमको पता नहीं कब सोएंगे और कब उठेंगे। तो जब भी आप कैंप पे जाओ ना तो जल्दी जल्दी जाओ, मतलब खाने बनाने आए थे अब खाएंगे और सुबह उठ के घर, और पता नहीं लग रहा है कि हम कहाँ खाना बना रहे, बस बना रहे। Was I drinking, looking for the next thing? I couldn't really settle down. Always on the run. गाइस यहाँ पर 7 बज चुके हैं, हमने सोचा हम पहाड़ के टॉप पे आए तो यहाँ पर मॉर्निंग में धूप बहुत जल्दी आएगी, बट ये थोड़ा सा साइड में आ रहा है जहाँ से धूप आती है, तो यहाँ धूप नहीं आ रही है, धूप भी थोड़ा ऊपर ऊपर आ रही है, यहाँ शायद 8:15 बजे तक धूप आने वाली है, तो तब तक हमारे पास आग है, हम आग सेक रहे हैं और अभी हम चाय वाय पियेंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। काम क्या बोलते हैं उस जगह ऊपर तारापुर गढ़, हाँ सॉरी, तो वहाँ के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हम देखते हैं वो सक्सेस होता भी या नहीं, क्योंकि नाइट इतनी वर्स्ट रही है ना कि आप तो मतलब इतनी ठंड हुई, इतने पतले पतले स्लीपिंग बैग थे, और मतलब यहाँ ऊपर ऊपर बर्फ़ भी है अभी, इतनी ठंड है इधर, तो हमने जितना ज्यूम किया था कि ठंड नहीं होगी, वो सुबह सुबह होते होते तो बैंड बज गई। तो चलो देखते हैं अभी चाय वाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए, उसके बाद बैक टू होम। अभी हम जा रहे हैं एक प्यारी सी जगह, मतलब जो यहाँ पे मोस्ट नीडेड जगह है, यहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी है पानी की और इतनी प्यारी है, अभी आपको दिखाते हैं। इसी से हमने अपने रात को पानी का गुजारा किया है, गुजारा नहीं मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, तो अभी आपको दिखाते हैं। और ये पता नहीं कब की है, कितने 100 साल पुरानी है, क्योंकि ये सारी पत्थर से बनी है, ऐसा लग रहा है सीमेंट की है, सीमेंट नहीं है, पत्थर से डिजाइन की हुई है।
तो पहाड़ों में ना ऐसे ऐसे सोर्सेज बहुत ज़्यादा बनाए होते हैं, पुराने टाइम में तो और भी ज़्यादा थे, क्योंकि पहले पहले लोग चल के ट्रैवल करते थे ना, तो ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पानी का सोर्स होता था वहाँ पे ऐसी ऐसी बावड़ियाँ बनाई जाती थी, है ना। अब ना बहुत कम रह गई है ऐसी बावड़ियाँ, पहले बहुत ज़्यादा थी। इवन हमारे गाँव शमशी में तक ऐसी होती थी उधर जमोट साइड में, और वो भी सूख गई अब। हाँ मतलब अब वही है, नए नए तरीके ना पुरानी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। और सोच अभी थोड़ी देर बाद ना सारी चाय पत्ती भी डाल दिए, सोच जैसे दूध डाल दिया उबलने वाला होगा वैसे ही नीचे सारा चाय नीचे फिर हो जाएगा हमारा मोए मोए मोटे वाले लकड़ लगा हुए। ये हरा है, ये नहीं गिरने वाला, तो बढ़िया टेढ़ा हो जाएगा, एक बार गिरेगा इतनी जल्दी चलेगा। और ये लो हमारा दूध, वाओ फिट लाइफ दूध, फिट रहे, स्पॉन्सर्ड बाय फिट लाइफ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही है, बहुत गरीब है हम पर चाय पीने के बाद देखते हैं, रिव्यू देते हैं, ये ऑनेस्ट रिव्यू होगा कैसा है ये दूध। 10 रुपए का, 10 रुपए की दूध से 4 बंदों को चाय बनी है। हमने ना ऐसी जगह टेंट लगाया जहाँ धूप ही नहीं है, सारी जगह धूप आ चुकी है, बट हमारे इधर धूप नहीं है, 8:30 बजने वाले हैं। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ इस वाले टेंट में हमारा था और ये वाला दीदी का टेंट था, साथ में हमने चूल्हा जलाया हुआ था, मस्त। हाँ मैं आपको अपना टेंट दिखाऊँ, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा 4-man टेंट, बट हम इसमें 2 ही थे, तो ये वो स्लीपिंग बैग है, ये बहुत पतले थे तो मुश्किल हो गया थोड़ा। चाय रेडी हो चुकी है और चाय को छनने के लिए आप देख सकते हो ये जुगाड़ कर सकते हो छीनी जा दे आप गुड में देख लीजिए ना कल पर सती वो सीरियस वो चल रहे थे हमने आगे को बे चलना खाना तो खाना पहले ये मुकर रहा पूरे नहीं जाने वाला तो मैगी रेडी हो गई है फटाफट खाते और आगे निकलते हैं वरना ना हम यहीं पे खाते पीते थोड़ी देर बाद हो जाएगा हमारे की अब बहुत खा लिया अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फटाफट खाते और निकलते हैं। चलो क्या हो गया चलो घूमने जल्दी खाओ चलो एक को घूमने को चाहिए एक को खाने को चाहिए आप कॉम्बिनेशन ये भी इनको घूमने को चाहिए और इनको खाने को चाहिए यहाँ देखिए सारे मसाले इतने प्रॉपर मिक्सअप हुए ना आपस में कि आप किसी एक मसाले का मतलब मेजर रोल नहीं है किसी का सब बराबर में अब फटाफट खाते और निकलते ठीक है। और मुझे तो मिर्च बहुत ज्यादा लग रही है वैसे और टेस्टी बनी सच में यार ये मैगी कुछ ज्यादा टेस्टी बनी हुई है तो मैंने नहीं खाया तो कल ट्राई करो एक थोड़ा जस्ट ले लो यही करने तो हम आए खाओ पियो सो जाओ कैसी लगी अत्यंत मिर्ची और स्वादिष्ट ऐसी मैगी और ऐसी सब्जी आज तक खाई नहीं लाइफ में सच में मतलब आपको लग रहा होगा हम ब्लॉग के लिए बोल रहे हैं बट सच में ये कुछ अलग ही बनी हुई है पता नहीं क्यों क्योंकि मैंने इसमें छेड़ा लगाया इसलिए सच में टेस्टी बनी है आई लाइक इट चलो अब खाते फटाफट और निकलते हैं ये मैगी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है यू शुड ट्राई दिस तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे की
चढ़ाई चढ़ने, इसलिए हम लोग ना अपने टेंट्स वगैरह यहीं रख रहे हैं क्योंकि इतना सामान उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ना इतना प्लेन ट्रेल था ना, बिल्कुल एकदम कोई चढ़ाई नहीं है। इलेक्ट्रिक वैन चलती है, अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, अभी रोड की वजह से खराब हो चुके हैं तो इसलिए हमें भी पैदल आना पड़ेगा। तो अब ना तो अब हम सब कुछ सामान नहीं छोड़ रहे, जो हमें नेसेसरी चीजें बैटरीज एंड ऑल, तो वो हम साथ में ले जा रहे हैं, सिर्फ कैमरा इक्विपमेंट्स ले जा रहे हैं, पानी की बॉटल ले जा रहे हैं और अपना सारा सामान इन टेंट्स के अंदर रख के खुद हम निकलेंगे कहाँ, तारापुरगढ़। और तारापुरगढ़ यहाँ से अराउंड हमारे को 2-2.5 घंटे लगेंगे क्योंकि हमें ब्लॉग शूट करते करते ज़्यादा भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आगे की ब्यूटी हम आपको दिखाएंगे और चलो ये है काइस था, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, चलो चलो। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टेंट लगाया था और यहाँ से हमें बैक जाना पड़ता है, बट क्या है ना कि हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे उस पहाड़ को, ऊपर से देखेंगे फिर तारापुर गढ़ की साइड है, फिर वहां से हम अपना रास्ता पकड़ लेंगे। तो चलो, ये काफी चैलेंजिंग है हमारे लिए। पुराने पुराने पेड़ है, सारे सड़े हुए हैं। हम ना रात को लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे, अगर हमारे को इस खान के बारे में पता होता तो यहीं आ जाते। पहले हम ना ऊपर आ जाते, दीदी थोड़ी ऊपर मत जा, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा था, इतनी तो अच्छी लकड़ी थी यहाँ तक जलाने के लिए, है ना। हाँ, हमने जो रूट ढूंढा है ना, ये काफी ज्यादा एडवेंचरस है क्योंकि बिल्कुल सीधा 45 डिग्री का पहाड़ है ये, शायद उससे भी ज्यादा है। ये देखिए नेचर, नेचुरल रोड है देखिए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ जैसे जैकेट है यही है 5 किलो का। तो मुझे पता है मैं बचपन से ना जंगल में बहुत ज्यादा घूमी हूँ, गुच्छे की सीजन में जाना और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी सीजन में जाना, पर मुझे आज तक गुच्छे नहीं मिली कभी। बाद में मुझे बहुत सारी चीजें मिली, जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिली हैं, पर मुझे आज तक गुच्छे नहीं मिली, पता नहीं क्यों। पर इस जान चाहिए था, एक ही बात है, पर इसे चढ़ना। अरे मेरी माँ, ये बहुत खड़ी चढ़ाई है। ऐसी चढ़ाई ना मैंने बहुत बार चढ़ ली है, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी ना, तो उस टाइम एक जड़ी बूटी आई थी ऐसे, उसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं और उसको यारसा गुम्बा भी बोलते हैं नेपाली भाषा में। तो उसकी कीमत फॉरेन कंट्रीज में जो है 50-60 लाख किलो है, और जब हमने उसको सेल किया था तब वो 1 लाख रुपए किलो थी, जब हमारे वहाँ पे जो डीलर आए थे उन्होंने खरीदी थी। तो उसको लेने हम जंगल में जाते थे और मैंने 50 ग्राम की थी उस टाइम। बहुत ज़्यादा मुश्किल, डिफ़िकल्ट होता है उसको ढूंढना, क्योंकि उसको वो ना मतलब ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता है, उसको ये हटाना पड़ता है, प्रेस देखना पड़ता है, फिर जाके मिलती है। तो ऐसा हो जाता था पूरे दिन ऐसे एकदम है ना तीखी नज़रों से देख रहे, तो ऐसा हो जाता था कि रात को भी सपने में वही चल रहा होता तो मतलब तो मैंने बहुत सारा जंगल घूमा है उस टाइम पे। तब तेरे लिए मतलब ये कुछ भी नहीं है, है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो आदत छूट गई है ना, अब आलसी हो गया है। चलो कोई नहीं, बेड रेस्ट पे आ गया। आ जा, तुझे आप आज हाथ भी बांधे रहे, खुद संभला ली। अरे यहाँ देखो ये मिट्टी ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, तो मैं भी गिर गया था और इसको भी गिरा दिया था। ऊपर कितना ऊपर है? हाँ जी, मुझे लग रहा है ये नागसत्री है, पता नहीं क्यों, नहीं तो देखो निकाल के क्या कैसे मेरे को नहीं पता होगा कि नहीं भी हो सकती यार, पर ऐसा लग रहा है मेरे। दवाई नहीं, हाँ वे चूड़ी बोलते इसको, चूड़ी जड़ी नागसत्री है, नागसत्री नहीं चूड़ी जड़ी बोलते इसको, वो सच में ये चूड़ी ये बिकती थी पहले पता है 20,000 की, 30,000 रुपीज किलो ऐसी होती इसकी पहचान। ये देखिए मंजू बोल रही है ये चूड़ी जड़ी है, ये 20-30,000 रुपीस किलो बिकती थी, जिसकी पहचान ये है, ये देख सकते हो आप, ये इसके पत्ते होते हैं और इसकी जड़ी होती है। कहाँ? अच्छा हाँ, मत तोड़ी मत इनको, क्यों गंदी क्या करेगी तू, ले जाएंगे
छोटी छोटी है ये रहने सर्दी जुकाम के लिए भी होती है मेरे ख्याल, मुझे नहीं पता ऐसा होता है भाई, तो मोटी है यार, मैं तो बोलती हूँ यही ले जाते हैं यहाँ से। सच में है ये? हाँ वही मजाक थोड़ी कर रही हूँ, ये फेंक दो, इसका काम नहीं है। तो गाइस मैं आपको ये दिखा के इस पहाड़ का स्लोप दिखा सकता हूँ, देखो ये कैसा 45 डिग्री का है, 50 डिग्री का। ऐसा लग रहा है तो मुझे कि मैं डांडी यात्रा पे निकली हूँ। वो नमक खोज रहे थे हम पर फूक रहे हैं। बाहुबली कैसा मजा आ रहा है ना तुझे यारों का मजा, मुझे तो नहीं आ रहा गर्मी गर्मी। पता क्या है अब काफी चढ़ पड़े हैं हम ना, अभी और चलने को काफी ऊपर है, हम वहीं पहुंच के आपको ब्लॉग दिखाएंगे, इससे ज्यादा हिम्मत नहीं रही है। क्यों मैं सो जाती थी, सो जाओ। स्कूल मिल गया पहुंच के। हाँ। चलो मैं आपके स्कूल को थोड़ा डिस्टर्ब डगमगा देती हूँ। ओ देखो वहाँ पे अभी हमें कहाँ पहुँच जाए, वो देखो 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 चील आई हुई है। हाँ हाँ देख ली, यहाँ चील चील के पास जाना है, नहीं जो लास्ट चोटी दिखाई दे रही ऊपर वहाँ जाना है। यार रात भर ठंड इतनी हुई ना कि मैं सो नहीं पाई और अब मुझे इतनी नींद आ रही ना, और इस धूप में तो और ज़्यादा आ रही है, और ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है व्यू ही व्यू देखने को, तो मुझे और ज़्यादा नींद आ रही है, और उससे ज़्यादा पता कब आ रही है जब मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे अभी वहाँ पहुँचना है, मुझे और नींद आ रही है। वाओ यार वो देख क्या लग रहा है, रेपुंजल के बाल सुनहरे, बहुत सुंदर लग रहा है। आपके बालों से सुनहरे लग रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें भी ब्लॉग में आना है? ओए गाइस हम निकल पड़े हैं तारापुर गढ़ के लिए, जो कि बहुत दूर है, बट क्या करें मज़ा इतना आ रहा है कि मन नहीं कर रहा है यहाँ से क्विट करने का। हल्का सा फिसल गया ना वो नीचे पहुंच जाएगा, ऐसा रास्ता है ना, ऐसा रास्ता है, ऐसा ढंगा ऐसा रास्ता, बहुत दूर था रास्ता। यहां पे ओ माय गॉड, और ये बहुत तेज भागने वाला सांप है। हां ये देखो, और इसने पता नहीं लग रहा था इसका, और डंडे की तरह दिख रहा था, मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो दिख गया, कुछ तो दिखा, कितना प्यारा सा सांप था ना, पर हम उसको छेड़ रहे थे यार, बहुत बुरी बात है। चल कितना अलग सा डिजाइन है पेड़ का ना, और इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है।
अभी हमने रेस्ट करने रुके थे और यहाँ तक जो जहाँ तक हम पहुँचे ना, यहाँ तक थोड़ा इजी था चलना फिर भी, बट यहाँ से आगे जो है बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब काफ़ी। इसके बाद ना हाफ है जितना हम चले अब तक टेंट के वहाँ से जहाँ हमने कैंपिंग किया हुआ है, इसके बाद हाफ है और ये चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। तो हमने सोचा कि कैमरा छोड़ देते, अब कहीं बीच बीच में शॉट ले लूंगा, बट हमें ऐसा है कि अब चलने पे फोकस करना है, क्योंकि हमने ना आज घर वापस जाना है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है सामान का कि हम आज स्टे कर पाए, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। सच बोलूं तो सिर्फ उस व्यू के लिए जा रहे हैं जो ऊपर है, वहाँ से 360 व्यू आता है और सीरियसली बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक और अमेजिंग शॉट्स आपको दिखाऊंगा, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्टे ट्यून्ड, चलें। मत कैमरा को। तो गाइस जैसे जैसे हम एलिवेशन क्रॉस करते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे बर्फ भी बहुत बढ़ती जा रही है। हो गया चल, ये एनर्जी चलने में लगा। हम ना बिना किसी गाइडेंस के चल रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन देखी हमने कि उधर जाना है, बस हम उस हिसाब से चल रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप में से किसी को भी पता है कि रास्ता गलत है और हम जहाँ से भी जा रहे हैं गलत रास्ते से जा रहे हैं, देखते देखते कमेंट कीजिए ताकि हम सही रास्ते से जाएं। बेबी थक गई क्या? नहीं मैं नहीं थकी, मैं तो चल रही हूँ बेबी। टांगे चल रही होगी ना आँखें बंद करके। चलो अभी बहुत है चलने को, चलो नीचे बैठो ना। चलो चलो थोड़ी देर बैठो, कोई बात नहीं, चलो मैं उन्हें चलो साथ मेरे साथ। हाँ रुक जा दो मिनट, मेरी आत्मा को वापस जाने अंदर। क्या होता ना ऐसी हाइट पे ट्रैक करके आत्मा बाहर आ जाती है, इसको बोलते हैं पीस में आके योग मेडिटेशन करना। तो यहाँ ट्रैकिंग करके ही मेडिटेशन हो रही है, तो इसकी आत्मा ऑलमोस्ट बाहर निकल चुकी थी, तो बस अब ये अंदर डाल रही है। तो गाइस जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, ये इसलिए बीच से ऐसे फटा हुआ क्योंकि जब लाइटनिंग होती है ना, जब बारिश का मौसम होता है, बादल गिरते हैं, तो ऐसे पेड़ पे गिर के ऐसे पेड़ के दो हिस्से हो जाते हैं, आप देख सकते हो। आपको इस वक्त बस हमारी सांसों से ही पता लग रहा होगा कि हमारे क्या हालात हुए हैं। क्या ना हमने नीचे से अभी भी एक बार भी पानी नहीं पिया, तुमने पिया है ना शायद? शायद हमें और चलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। हाँ उस तरफ को, हाँ हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना हमने, देखो उधर। सीरियसली गाइस ये ट्रैक 2 घंटे का बताया गया था और ये जनरली 4 आवर्स का है, 5 आवर्स का, मुझे लग रहा है मैं सदियों से, और हमारे को शायद 6 घंटे लगने वाले हैं। पता नहीं अब वापस कैसे जाएंगे, ना खाने को लाया हमने, हल्की सी सुबह मैगी बची हुई थी, थोड़ा सा चावल है वही खाएंगे, अदरवाइज बैंड बजने वाली वही खाएंगे, और अगर वो खत्म हो गया तो बर्फ खा लेंगे, ये भी नहीं रही तो पत्ते खा लेंगे, उससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं। और इसके आगे हार्ड हो रहा है जाने को क्योंकि अब बर्फ बढ़ रही है, पता नहीं ये कंप्लीट भी हो पाएगा कि नहीं, बट चलो देखते रहो। चलो
मेरी तो हालत टाइट हो गई है, बहुत गंदा ट्रैक है तो। उफ, बर्फ की वजह से ना ज़्यादा मुश्किल हो रही है चलने में, है ना। और हम प्रॉपर गियर्स के साथ भी नहीं आए हैं क्योंकि खाने के लिए भी नहीं लाए, हम कुछ मीठा मूठा लेकर आने थे ताकि हम थोड़ा स्ट्रेंथ बन गए। आप लोग जाना है जाओ, पर मेरी ना मतलब जो लिमिट से ऊपर जो थोड़ी सी लिमिट होती है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं नहीं चल सकती। ये कुछ दूसरा ही टेस्ट आ रहा है इसका कसम से इस वक्त, है ना। गाइस ये ना सरासर नाइंसाफी है, ये सच में 2 घंटे का ट्रैक नहीं था, अभी भी 1 घंटा है ऊपर। शायद मेरे को लग रहा है हमको तो चुट वाली फ्राई लानी चाहिए थी ना और मैगी लानी चाहिए थी, वो दो बहुत मुश्किल है बोल तो रहा था क्योंकि वापस भी जाना है, पता नहीं कैसे होगा। गाइस अब ना बस हो चुकी है और यहाँ के बाद बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर को चढ़ाई है और यहाँ से बर्फ ही बर्फ है, पता नहीं लग रहा है क्या करें, और होप हार चुके ऑलमोस्ट। हो जाएगा चलो। मैं तो हंसने को भी नहीं, रोने को भी नहीं। ये जो लास्ट पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, चढ़ाई देख सकते हो आप, और इसके बीच में बिना किसी स्नो गियर्स के हम इसको चढ़ाई कर रहे हैं, जूते भी पानी गीले हो सकते हैं। व्यू देखो यहाँ। हाँ बोलो। If you can do it. I can't do it. इस साइड को आ रही मंजू, इस साइड पेड़ के साइड में कोई फायदा नहीं है, गिरने का तो बचेंगे। देखिए गाइस हम कहाँ से आ रहे हैं इस 70 डिग्री के एंगल को क्रॉस करते हुए। गाइस मैंने अपना कैमरा बंद किया था क्योंकि यहाँ से आने का रास्ता कहीं से दिख नहीं रहा था, बहुत बुरी बुरी हालत में आए हुए थे, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, सच में स्वर्ग पहुँच गए हम तो। मंजू ने बहुत हिम्मत दिखाई है, सच बोल रहा हूँ, और मेरी दीदी, और यहाँ देखिए हमारे गाइड जिनको बस यहाँ पहुँचने की इच्छा थी। ये देखिए बस चलो जैसे भी चलना है। मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसे पूछो अब कैसा लगेगा, अब नीचे कैसे जाएंगे। बहुत ज्यादा एडवेंचर, जैसे भैया ने कहा था कि बहुत एडवेंचर आएगा, बिल्कुल वैसा ही बहुत एडवेंचर आया। Thank you.
आपको जो ये वाली साइड दिख रही है ये मंडी वाली साइड है। ये देखिए मंडी, जोगिंदर नगर उस साइड आगे को, पालमपुर, धर्मशाला, वो धर्मशाला की रेंज वो है। और इस साइड वाला पहाड़ जो है ये है कुल्लू। तो कैसा रहा आपका ट्रैक बताइए? मेरा तो हर बार की तरह मजा ही मजा। ये तो अलग ही ट्रिप में है। और शायद ये मेरी बहन का पहला ट्रैक था इतना दूर। और सुनो सुनो पहले मेरी बात सुनो, क्या हुआ ना भैया ने बोला ये ट्रैक ना, क्या बोलते दीदी? मैंने बोला ये ट्रैक नहीं, ये ट्रैप है, एक ट्रैप। मैंने बोला ये जो ट्रैक है ना, दीदी बोलती ये ट्रैक नहीं, ये ट्रैप। ऐसा ट्रैप है कि जिसमें हम आगे भी नहीं जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे। सच में मंजू ना एक जगह बहुत जल्दी जल्दी चली क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि पीछे भी नहीं जा सकती मैं, अब ना मैं यहाँ रुक सकती हूँ, अब मेरे को चलना ही पड़ेगा। सो गाइस हम यहाँ पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं और यहाँ की जर्नी आपने देख ली होगी हम कितनी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके बाद आप आइडिया लगा लो हमें नीचे कैसे जाना है, उसका ब्लॉग हम नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ से इस ब्लॉग को क्विट कर देते हैं। और सजेशन है अगर मतलब अगर आपको लगता है ना आप बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आपको ना मेरे ख्याल में एक ही बात आना चाहिए क्योंकि थोड़ा सच में रिस्की है मतलब। और आगे भी आपको बहुत खूबसूरत ट्रैकिंग वाले ब्लॉग आने वाले हैं तो बने रहिए हमारे हिल में चिल के चैनल पर। ऑलराइट, के लिए से बाय 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 बाय।